कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए चलते हैं मेरी नई वीडियो में। हम आपको लेकर जा रहे हैं पिंजौर के समीप भीमा देवी मंदिर, जो पिंजौर गार्डन के साथ ही स्थित है। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए चलते हैं सीधा भीमा देवी मंदिर। जैसे ही आप यादविंद्रा गार्डन का टिकट काउंटर क्रॉस करते हैं, उसके सामने ही आपको भीमा देवी मंदिर का पहुंच मार्ग के लिए लगा हुआ बोर्ड दिख जाएगा। तो यहीं से आपका सफर शुरू होता है। इस साइन बोर्ड से ही भीमा देवी मंदिर की जो दूरी है सिर्फ 300 मीटर है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स के दो गेट हैं। एक के सामने गंदगी और दूसरे पर ताला लगा रहता है, इसीलिए मैं आपको गार्डन के सामने वाले मार्ग से लेकर जा रहा हूं, जो अब इसका मुख्य मार्ग बन चुका है। मंदिर के एंट्री गेट पर एक प्लेट लगी हुई है, जिस पर एंट्री टिकट 25 रुपये लिखा गया है। अक्सर यह दरवाजा भी बंद ही रहता है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सुंदरता का यह दृश्य मन को मोह लेता है। यह सभी शिलाएं खुदाई के समय मिली थी, जिन्हें अब संग्रहालय में रख दिया गया है। जो खंडित हैं उन्हें बाहर खुले में ही रख दिया गया है, जिसका रखरखाव हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में भी संक्षेप से बता रहा हूँ। नौवीं से 12वीं शताब्दी के समय का पिंजौर में भीमा देवी मंदिर बहुत से प्राचीन इतिहास अपने अंदर समाये हुए है। इस प्राचीन स्थल पर बहुत से ऐसे अवशेष पड़े हैं जो अपनी पुराने समय की दास्तां बयां करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इस प्राचीन भीमा देवी मंदिर को जुलाई 2008 को विश्व धरोहर में भी शामिल करवा दिया गया। उस समय यूनेस्को की टीम द्वारा मंदिर का दौरा करके इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके बाद ही हरियाणा सरकार ने लाखों रुपए लगाकर इसका सौंदर्यकरण करवाया गया और इस प्राचीन स्थल को लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया। परंतु इसके बाद तो सरकार और ही पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया। संग्रहालय में उन्हीं प्रतिमाओं को स्थान दिया गया है जो साफ व अच्छी कंडीशन में हैं। कई प्रतिमाएं जो हैं वो खंडित हैं और उन्हें बाहर खुले में ही रखा गया है। पिंजौर की पहचान ही इन प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों से है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो लोगों की इन स्थानों से जुड़ी भावनाओं को ठेस लगेगी। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसका प्रचार भारत के अलावा दूसरे देशों में भी करवाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इसे देखने आए। भीमा देवी मंदिर का महत्व। पिंजौर का क्षेत्र आदि मानव का उद्गम स्थल था, परंतु इस नगरी को अधिक महत्व पांडवों द्वारा अज्ञातवास का अंतिम वर्ष गुजारने के कारण ही दिया गया। पांच पांडवों के इस स्थल को जोड़ने के कारण
प्राचीन शिलालेखों में भी इस स्थान का नाम पंचपुरम ही मिलता है, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर पिंजौर बन गया। 1974 में इस स्थान की खोज के बाद विभाग ने इसे राज्य सुरक्षा में लेकर वैज्ञानिक सफाई का कार्य शुरू करवाया। इसके परिणाम स्वरूप यहां एक पंचायतन मंदिर के अवशेष सामने आए। पंचायतन मंदिर शैली में मुख्य देवता का मंदिर केंद्र में बनाते हुए उसी देव परिवार के अन्य चार देवताओं के मंदिर चारों कोनों पर बनाए जाते थे। प्राचीन श्रुति इस मंदिर को भीमा देवी मंदिर कहते हैं और दुर्गा स्पाशदी के अनुसार भीमा देवी दुर्गा का ही एक रूप है, किंतु यहाँ पर अब दुर्गा के किसी रूप की कोई प्रतिमा नहीं मिली है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ केंद्र में शिव मंदिर रहा होगा। इस स्थान से वैज्ञानिक सफाई के दौरान कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें राजा रामदेव के नाम का जिक्र है। भीमा देवी मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगाई गई एक सूचना पटल के अनुसार यह मंदिर 9वीं से 11वीं सदी के मध्य निर्मित किया गया था। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया था, अतः इस मंदिर का संबंध उज्जैन व कन्नौज के राज्यों से था। इस मंदिर के निर्माण का सर्वाधिक श्रेय संभवतः इस राजवंश के राजा रामदेव को जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमा देवी उन पांच देवियों में से एक हैं, जो वर्तमान में विद्यमान जागृत शक्तियां हैं। देवी महात्म्य में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। भीमा देवी के चार प्रमुख मंदिर हैं। तीन अन्य मंदिर हिमाचल के सराहन, नेपाल एवं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। Thank you.
किंचित खंडित प्रतिमाओं को खुले संग्रहालय में स्थित पीठिका के ऊपर रखा हुआ है। इनमें से भी अधिक भंगित मूर्तियों को वृक्षों के तनों के चारों ओर रखा गया है तथा कुछ अन्यत्र बिखरे पड़े हैं। किसी मंदिर को इस प्रकार खंडित तथा बिखरा हुआ देखना अत्यंत कष्टदायक होता है। अनेक प्रतिमाओं के शीश धड़ से पृथक हैं, फिर भी यहाँ आकर मैं प्रसन्न था क्योंकि इनसे मुझे उत्तर भारत के कुछ और प्राचीन मंदिरों को ढूंढने की आशा जागृत की है। भविष्य में हम इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करें ताकि हम अपने पूर्वजों का ऋण चुका सकें। मंदिर के अंदर रखी हुई शिव प्रतिमा, जिसमें शिव नकुलिश रूप में शिव का शिवलिंग, शिव पार्वती, नंदी प्रतिमाएं, विष्णु, अग्नि, सूर्य, वरुण, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, दिशा देवता जैसे इंसान, महिषासुर मर्दनी, ब्राह्मिणी, अंबिका, गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिहर, लक्ष्मी नारायण, सेवित सेविकाओं की प्रतिमाएं, ये सभी एक उत्तर भारतीय नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की ओर संकेत करते हैं। यह पहले भीमा देवी का मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, जो आजकल अंदर से बंद कर दिया गया है ताकि स्थानीय लोगों का घूमना फिरना बंद हो सके। और अब इसकी अंदर प्रवेश शुल्क 25 रुपये लिया जाता है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। जब से यहाँ पर एंट्री टिकट लगी है, तब से यहाँ पर नशेड़ियों का आना बंद हो चुका है। अक्सर यहाँ पर नशेड़ी ही मिलते थे क्योंकि यहाँ पर पास में भांग लगी होने के कारण यहाँ पर नशेड़ी हमेशा डेरा जमाए रहते थे और हमने अक्सर इन नशेड़ियों को हाथों से भांग रगड़ते हुए देखा है। मेरा सरकार से यही कहना है कि यहाँ की देखरेख के साथ साथ यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगवाएं ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक इस मंदिर की ओर आकर्षित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित कर सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके सुझाव ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं दोबारा फिर आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका अपना सुनील सैनी, धन्यवाद।